इंडिया के इस बुलेटिन में खबरों के साथ मैं स्वाति, और आइए रुक करते हैं आगे की तमाम बड़ी खबरों की ओर। यूपी के जौनपुर जिले के खुटहन क्षेत्र के त्रिकौली गांव में पंचायत भवन कूड़ा झाल झंकार में तब्दील हो गया है। वहीं दरवाजे व खिड़कियां टूटी हुई हैं, जहां पहले आंगनवाड़ी कार्यकर्ती बच्चों को शिक्षा ग्रहण कराती थी, अब वहीं पंचायत कूड़े में तब्दील हो गया है। ग्राम प्रधान का ध्यान ग्राम पंचायत भवन की तरफ आकर्षित नहीं हो रहा है। आप देख सकते हैं कि पंचायत भवन का इस तस्वीर में क्या दिख रहा है हाल। काफी दिनों से इसकी रंगाई पोताई साफ सफाई का भी कार्य नहीं हुआ है। देखिए खुटहन से शिवचंद्र यादव की रिपोर्ट। किस गाँव का है ये? ग्राम त्रिकौली का है जी। अगर इसकी रंगाई पोताई हो जाती तो अच्छी बात है। अगर रंगाई पुताई हो जाती है तो हम गांव वासियों को शादी ब्याह काम काज में जो है इसकी आवश्यकता पड़ती है। तो योगी सरकार से या प्रशासन से आप क्या कुछ कहना चाहते हैं किसके बारे में रंगाई पुताई के लिए? ये हम कहना चाहते हैं प्रशासन से भी और योगी सरकार से कि इसकी जो है रंगाई पुताई और इसकी मरम्मत हो जाए तो ये हम ग्राम वासियों को काम में आवे। कभी आप प्रधान से कहे हैं कभी? बांदा जनपद के कमासीन ग्राम पंचायत कमासीन बबेरू राष्ट्रीय मार्ग पशु बाजार के पास पच्छाही लोहार रोड के किनारे झोपड़ पट्टी डाले व अपने लोहारी का काम करते हुए पेट पालन करते हैं। फूली का कहना है कि हमारे पास ना तो सरकारी आवास, ना शौचालय है और ना ही हैंडपाइप, पीने का पानी के लिए भी कुछ नहीं है, ना ही जमीन है, ना रहने के लिए मकान है। हम कमासीन ग्राम पंचायत के वोटर भी हैं, कमासीन ग्राम पंचायत के प्रधान हमें कोई भी सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं दे रहे हैं। देखिए मार्का से सत्येंद्र सिंह की रिपोर्ट। क्या नाम है भैया आपका? कटारे भैया। क्या समस्याएं आपकी हैं? समस्या क्या है, रोड में पड़े रहते हैं, इसी तरह लोहा वोहा का काम करते हैं, वो भी नहीं काम आम आता है करोने में, और बस भूखे ही पड़े रहते हैं। बच्चे हैं छोटे छोटे, डेरे रोड में पड़े हैं। एक एम्बुलेंस ने भी हमारे एक बूढ़ी माता राम को हमारी ख़त्म कर दिया, चढ़ा दिया। एक लड़की भी उसी की बेटी थी तो वो भी चुटान गई, उसकी पसरी असरी टूट गई, वो भी कोई सुनाई नहीं कर रहे हैं, ना कोई बातें हो रही हैं, ना हमारी कोई ख्याल करता है, इसी तरह पड़े रहते हैं और ना कोई हमारे लिए कोई सुविधा नहीं। जब वोट वोट डालना होता है तो दौड़ के आते हैं, इसमें डालो उसमें डालो, सब इसी तरह बोलते रहते हैं और हम सब उसी जो जैसा कह देते हैं उसी तरह कर देते हैं। कोई कहता है आपको कॉलोनी निकलवा देंगे, कोई कहता है ये निकलवा देंगे, हमारे लिए कोई सुविधा नहीं। हमसे काम करवा लेते हैं फिर आप आते हैं, रोड में पड़े रहते हैं, कोई भी आता है तो हमकी धमकी दे के चला जाता है, कहते हैं तुम इसी तरह रहते हो, ये है वो, अब उनके ये है, काम भी नहीं आता, काम के वजह से अब किसी से मांगने भी नहीं जा सकते, कहते हैं आप तंदुरुस्त हो ये करो वो कर। कभी हमारी पीढ़ी में गुजर गए। क्या नाम है आपका? रेशमा हमारा नाम है। कहाँ पर रहते हैं, क्या समस्याएं आपकी हैं? कमासीन में रहते हैं। क्या समस्या है? समस्या ये है कि हम रोड के किनारे रहते हैं, हमको कोई निवास भी नहीं है, हमारे लिए ना जगह है ना जमीन है, रोड के किनारे पड़े हैं, ना हमें पानी की सुविधा है, ना लाइट की सुविधा है, सबको सब चीज मिल रही है, हमको क्यों नहीं? हम वोट डालते हैं, सब चीज निवास है, सब कुछ बनवाया, मगर हम गा रहे यहाँ देखो पहली बार, हमको कोई भी 15-20 साल हो गए हैं यहाँ पे, हमको कोई यहाँ सुविधा ही नहीं मिली। कहाँ पे रहते हैं 15-20 साल से? यही कमासीन में 1 मीटर यहाँ पशु बाजार पे। पशु बाजार के पास बिजली हो चुकी है। और आप क्या धंधा काम करते हैं? हम यही लोहे का धंधा करते हैं, जैसे हसिया गुर्पी बनाते हैं, रोड के किनारे रहते हैं। हमारे यहाँ एक एम्बुलेंस ने घटना भी कर दी 9 तारीख के लिए, और उसका भी 8 तारीख के लिए दरे में खत्म हो गई, दरे में खत्म हो गई, उनकी भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। आप बताइए। खबर है यूपी के प्रयागराज जिले के थाना कर्नलगंज कचहरी परिसर की, जहां आम आदमी पार्टी प्रयागराज ने आज उत्तर प्रदेश में दलितों व ब्राह्मणों और तमाम जातियों के लोगों के साथ लगातार हो रहे अपराध व उत्पीड़न के खिलाफ प्रदेश महासचिव दिनेश सिंह की मौजूदगी में आज जिला कचहरी के जिला अधिकारी कार्यालय में बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की मांग थी कि हाल ही में रायबरेली में एक घटना हुई है जिसमें वहां की पुलिस ने एक रिक्शे वाले को बाइक चोरी के इल्जाम में 3 दिन तक अपनी कस्टडी में रखा और अचानक से उसकी मृत्यु हो गई। तो इस तरह की घटनाएं लगातार उत्तर प्रदेश में होती चली आ रही हैं। न ब्राह्मण सुरक्षित है, न दलित सुरक्षित है, न ओबीसी सुरक्षित है। उत्तर प्रदेश में लगातार डर और अपराध का माहौल बना हुआ है।
आज के प्रदर्शन में सैकड़ों की संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जिला कचहरी पहुंचकर महामहिम राज्यपाल जी के नाम अपना ज्ञापन सौंपा। कार्यक्रम में जिला महिला सचिव सानिया मिर्जा, जिला उपाध्यक्ष ललिता अग्रवाल, प्रदेश सचिव अंजनी मिश्रा, प्रदेश यूथ सचिव आकाश सिंह, महानगर अध्यक्ष ज्योति प्रकाश चौबे, विधानसभा अध्यक्ष मोहम्मद नसीम, विधानसभा अध्यक्ष राम लखन चौरसिया, विधानसभा सचिव मोहम्मद जैद, विधानसभा अध्यक्ष गजनफर अब्बास, प्रदेश महासचिव सी वाई ई एस एस अंकित परिहार, जिला अध्यक्ष शिवम मिश्रा, रमाकांत कश्यप, गोलू सोनकर, रवि त्यागी, बसंत लाल बागी, इरशाद अली, पंकज पाल, मसूद अहमद, रविंद्र श्रीवास्तव, सुधा भारती, संजय पांडे प्रचंड आदि लोग मौजूद रहे। देखिए प्रयागराज से कुमारी मनोज सिंह की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में ये प्रदर्शन चल रहा है। उत्तर प्रदेश जैसे अपराध प्रदेश बनता चला जा रहा है। माननीय योगी जी से उत्तर प्रदेश संभल नहीं रहा है। यहाँ पर आए दिन आप अखबार उठाकर देखिए तो आए दिन लूट, हत्या, बलात्कार जैसी घटनाएं होती चली जा रही हैं। अभी कुछ दिन पहले एक ब्राह्मण परिवार को, पूरे परिवार को धारदार हथियारों से कुछ लोगों ने मार दिया था। योगी सरकार ने ये 5-5 लाख रुपया उनको देने का वादा किया था, लेकिन सिर्फ 2 लाख रुपया दिया। यानी योगी सरकार की कथनी और करनी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हम लोग आज इस प्रदर्शन से योगी सरकार को जगाने आए हैं, देश की जनता को जगाने आए हैं, उत्तर प्रदेश की जनता को जगाने आए हैं, ताकि जो उत्तर प्रदेश में उत्पीड़न चल रहा है वो योगी सरकार उस पर लगाम लगाने की कोशिश करे और उत्तर प्रदेश से अपराध खत्म हो सके। आपकी मांगें पूरी नहीं हुई तो आगे आप क्या करेंगे? हम लोग इसी तरह से तमाम उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन करेंगे, लोगों के दरवाजे दरवाजे जाएंगे और योगी सरकार की नाकामियों को बताएंगे कि किस तरह से योगी सरकार आप लोगों का उत्पीड़न कर रही है। और 2022 बहुत दूर नहीं है, अभी भी अगर योगी जी की आंख खुल जाएगी तो शायद जनता उनको दोबारा मौका देगी, वरना ये जनता, उत्तर प्रदेश की जनता सब जानती है, उनको उखाड़ कर फेंक देगी। डॉक्टर अल्ताफ अहमद, जिला अध्यक्ष आम आदमी पार्टी प्रयागराज। आगरा जिले के थाना डौकी मेवली कला में ग्राम नगरिया दारू में जल भराव से ग्रामीण परेशान। अधिकारियों से ग्रामीणों की शिकायत पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। देखिए डॉकी से ज्ञान दीन सिंह की रिपोर्ट। और आगे ले जाओ, आगे तक देखो, आगे तक पानी भरा हुआ बहुत। इतना आ गया ना, समस्या ये है कि बर्मा से हमने कहा था और गौशाला में गए थे, सीडियो वीडियो सीख थे और हमने किया था, हमारा खरंजा पानी भराया था, दस्ता कंधे की नहीं है और नीची जात है, नाई धोबी भंगी इनकी जात को खरंजा नहीं है। बिल्कुल प्रधान ने मना कर दिया, अब कोई हमारे पास पैसा नहीं है, पैसा आ जाएगा तब बनवाऊंगा। क्या नाम है अम्मा आपका? विमला। क्या समस्या है? समस्या ये है कि कीच खप्पड़ा में बच्चे ना पढ़ पावते, सौदा लेने आए तो गिर जाते हैं, और क्या करें बताओ, कहाँ जाए हम, कीचो को पारना है, पानी रोज बारिश से रही है, भंगी धोबी नाई जी सब परेशान है, तीनों जाते और क्या है जी, होना चाहिए पक्का रोड इनकी और बड़े बूढ़े इनकी और लेने। जौनपुर जिले के खोटहन क्षेत्र के प्रार्थी की लड़की 12 वर्षीय, जिससे प्रार्थी के रिश्तेदार निवासी ग्राम लालापुर थाना सरपताहा जिला जौनपुर, जो कि दिनांक 30 अगस्त 2020 की शाम करीब 5:30 बजे प्रार्थनी के घर से बहला फुसला कर ले गया और प्रार्थी की लड़की को बंधक बनाकर 5 दिनों से दुष्कर्म करता रहा। आज सुबह करीब 5 बजे वो बेहोशी की हालत में लाकर रसूलपुर झाड़ के पास सड़क के किनारे प्रार्थनी को फेंक कर चले गए। देखिए खोटहन से शिवसेंद्र यादव की रिपोर्ट। हम लड़की साथ
रहीम हमारा बहनोई था, उसने आया हमारे घर पे, उसको बहला फुसला के उसको लेके गया और उसके साथ बलात्कार किया। और रसूलपुर झाड़ी में मतलब वहाँ झाड़ था, उसके बाद वहाँ से फेंका हुआ निगम लिए, तो वहाँ बहुत आदमी छुपे हुए थे, देख रहे थे सुबह सुबह। तो मुझे मैं भी गया, पता पाया, लेके आया, आनंद भी सब देख दिया हूँ। और उसके बाद आनंद पहली रात दे दी ना। हाँ जी, तो ये थे अभी के समाचार। आगे कुछ खास खबरों के लिए बने रहिए फास्ट न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।